नेचुरल फेयरनेस सैफ्रॉन फेस क्रीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक आयुर्वेदिक क्रीम है जिसमें नेचुरल हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया गया है, जिसका आपके स्किन में किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और ये आपके स्किन को 7 दिनों के लगातार इस्तेमाल से ही फेयर लुक देने में मदद करता है। दोस्तों, ये जो क्रीम है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें नेचुरल हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं का यूज नहीं किया गया है और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक नया प्रोडक्ट है। कुछ महीनों पहले ही ये मार्केट में लॉन्च हुआ है और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, ये काफ़ी लोगों द्वारा सराहा गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लिवर आयुष फेयरनेस क्रीम के बारे में पूरी डिटेल्स दूंगा और इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये किन किन स्किन कंडीशन में यूज़ की जा सकती है और किन लोगों को ये क्रीम सूट करने वाला है और किन लोगों को ये क्रीम सूट नहीं करेगा, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसके साथ ही जो बेल आइकन आता है उसको जरूर कर दीजिए जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लिवर आयुष नेचुरल फेयरनेस सैफ्रॉन फेस क्रीम की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कंपनी ने हमें यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। तो दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक क्रीम है और इसमें मुख्य रूप से कुमकुम आदि तैलम सैफ्रॉन का यूज़ किया गया है। जो कुमकुम आदि तैलम होता है एक नेचुरल ब्लेंड होता है, यानी कि 14 हर्ब्स का नेचुरल ब्लेंड होता है जो आपके स्किन में जो दाग धब्बे होते हैं उसको रिड्यूस करता है, उसके साथ साथ स्किन को लाइटन्स करने में मदद करता है, उसके कलर को इम्प्रूव करने में मदद करता है, स्किन टोन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ही ये आपके स्किन को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ सैफ्रॉन का यूज़ किया गया है, केशर का यूज़ किया गया है जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा होती है, जो स्किन में किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने में ये मदद करता है। इसके साथ ही ये आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें लोद्रा और मंजिष्ठ का यूज़ किया गया है जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। वीट जर्म ऑयल का इस्तेमाल किया गया है जो स्किन के इन्फेक्शन को दूर करता है, यानी कि जो एक्ने पिंपल्स की जो समस्या होने वाली होती है जिससे हो सकती है उसको नहीं होने देता है, उससे आपके स्किन को बचा करके रखता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार के नॉन हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया गया है जो आपके स्किन के लिए किसी भी प्रकार से हार्मफुल नहीं होते हैं, जो क्रीम्स को सेफ रखने के लिए किया जाता है, वो किसी भी प्रकार से आपके स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाता हैं। तो ये टोटली एक आयुर्वेदिक फेयरनेस क्रीम है जिसका आप इस्तेमाल बिना किसी साइड इफेक्ट के कर सकते हैं। जहाँ तक इस लीवर आयुष नेचुरल फेयरनेस सैफ्रॉन फेस क्रीम के रिजल्ट ओरिएंटेड होने की बात है तो ये आपके यूज के साथ ही आपके स्किन में एक इंस्टेंट ग्लो दे देता है। 7 दिनों के लगातार यूज से ये आपके स्किन टोन को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर देता है, उसमें फेयरनेस ला देता है, उसमें गोरापन ला देता है। अब बात करते हैं कि कौन से लोग इस क्रीम को यूज कर सकते हैं, किन स्किन कंडीशन वाले इसका यूज कर सकते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं या ड्राई स्किन वाले हैं वो इसका यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ऑयली स्किन है तो वो लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुमकुम आदि तैलम का यूज़ किया गया है तो उनके स्किन को ये सूट नहीं कर सकता है। इसके साथ ही अगर आपने कोई मेडिकेटेड क्रीम यूज़ की है जैसे कि स्किन लाइट क्रीम या पेंड्रम प्लस क्रीम या वेटनावेट सी जैसी क्रीमें यूज़ की है तो ये इसका अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके स्किन को बहुत ही स्लो रिजल्ट देगा और लगातार यूज़ करने से आपके जो स्किन में साइड इफेक्ट्स हुए हैं मेडिकेटेड क्रीम का वो भी ये ठीक कर सकता है। लेकिन जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो ये आपके स्किन को उतना ज़्यादा जल्दी रिजल्ट नहीं देगा। अगर लगातार कुछ महीनों तक यूज़ करते हैं तो ये आपके स्किन को हील कर सकता है, उसके साइड इफेक्ट्स को कम कर सकता है। इस लिवर आयुष नेचुरल फेयरनेस सैफ्रॉन फेस क्रीम का यूज़ मेल और फीमेल दोनों लोग समान रूप से कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन कंपनी ने नहीं दी है। जहां तक इसके प्राइस की बात है तो ये 50 ग्राम की क्रीम है और इसका जो प्राइस यहां पे मेंशन किया गया है 130 रुपये का है और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर या जनरल स्टोर में बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज करके इसका यूज कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके डायरेक्शन फॉर यूज़ की। तो इस क्रीम का
आप यूज मॉर्निंग इवनिंग अपने चेहरे को अच्छे से किसी माइल्ड फेस वॉश से साफ करने के बाद इसका यूज कर सकते हैं। जहां तक यूज करने के तरीके की बात है, तो इस क्रीम का यूज आपको अपने स्किन पे डॉट डॉट पहले ले लेना है, डॉट डॉट के रूप में ले लेना है। उसके बाद अच्छे से मसाज करना है, ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए अपने स्किन पे, पूरे फेस पे, और अच्छे से उसको मसाज करना है, जैसे कि वो जब तक कि वो पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं हो जाए। इसको यूज़ करने के साथ ही एक आपको इंस्टेंट ग्लो स्किन में मिलता है। थोड़ा ऑब्जर्व होने में टाइम लगता है, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा क्रीम ले लिया है, ऑब्जर्व होने में टाइम लगता है, लेकिन ये जब पूरी तरह से ऑब्जर्व हो जाता है तो ये आपके स्किन को इंस्टेंट ग्लो देने में काफ़ी मदद करता है। ये ज़्यादा ग्रीजी नहीं है, ज़्यादा ग्रीजी क्या, बिल्कुल ही ग्रीजी नहीं है, चिपचिपी नहीं है। ये आपके स्किन में अगर पूरी तरह से जब एब्जर्ब हो जाता है तो आपके लगता नहीं है कि आपने कोई क्रीम यूज़ किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे दोनों हाथों से में आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। इस तरह से आप इस क्रीम का यूज़ करेंगे तो आपके स्किन में एक नई चमक, एक नया निखार आ जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको आयुष फेयरनेस क्रीम के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आज का ये रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।